नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, क्या भारतीय सिने प्रेमी जिनको फिल्मों का बहुत ज्यादा शौक रहता है, बॉलीवुड की फिल्मों के लिए वो टूट पड़ते थे, लाइनें लगाते थे, टिकट ब्लैक में बिकती थी, क्या वो दौर जा चुका है? क्या ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड वाला अभियान चल रहा है, क्या वो और भी बड़ी बड़ी फिल्मों को अपनी लपेटे में लेने वाला है? क्योंकि दोस्तों, इस साल जो फिल्म रिलीज हुई है उसमें से मात्र दो ही फिल्में मतलब बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा सकी है, जिसमें एक है द कश्मीर फाइल्स, जिसे विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया था, बहुत ही रियल फिल्म थी, लेकिन इसको आप एक बॉलीवुड फिल्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ना तो इसमें कोई बॉलीवुड का कोई बहुत बड़ा स्टार था, केवल अनुपम खेर थे, मिथुन चक्रवर्ती थे, ना ही कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये फिल्म रियल थी, बिल्कुल सच्चाई से इस फिल्म में हकीकत को दिखाया गया था, तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दूसरी फिल्म थी भूलभुलैया 2, जिसमें कार्तिक आर्यन थे। दोस्तों, मैं कार्तिक आर्यन इसलिए बोल रहा हूँ कि कार्तिक आर्यन को आउटसाइडर माना जाता है, इसलिए उसकी फिल्म को पसंद किया गया। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि भूलभुलैया 2 फिल्म अच्छी नहीं थी, फिल्म काफी अच्छी थी, काफी इसमें हॉरर और कॉमेडी का जो संगम था, काफी कॉमेडी से भरपूर, सस्पेंस से भरपूर मूवी थी, फिल्म पसंद की गई थी। लेकिन दोस्तों, इन दोनों फिल्मों के अलावा सारी की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर या तो फ्लॉप साबित हुई है या फिर डिजास्टर साबित हुई है। तो क्या भारतीय सिने प्रेमियों ने ये ठान लिया है कि वो बॉलीवुड के सभी बड़े स्टार्स को एक एक करके आईना दिखाएंगे, एक एक कर करके उनकी क्या मतलब इस समय परिस्थिति है, उनकी क्या इस समय स्थिति है, वो दिखाने वो जा रहे हैं इस समय एक एक कलाकार को? मैं आपको एग्जांपल्स के द्वारा ये समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, महानायक अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार है, उन्होंने दो बेहतरीन फिल्में इस साल दी, एक थी झुंड और एक थी रनवे 34। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, हालांकि फिल्में बहुत अच्छी थी। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्यों नहीं चली, इसका जवाब आप खुद अपने मन से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, अजय देवगन, सुपरस्टार अजय देवगन, आपको फिल्म में नजर आए थे गंगूबाई काठियावाड़ी में, हालांकि उनका कैमियो था, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि इस फिल्म को ये हिट क्या करके प्रचारित करने की कोशिश की गई थी और काफी सेलिब्रेशन भी इस फिल्म के लिए किया गया कि बहुत बड़ी हिट फिल्म है, लेकिन दोस्तों आपको हकीकत बता दूं कि 180 करोड़ का बजट था, नेट कलेक्शन रहा 127 करोड़ रुपीज, तो इसे आप फ्लॉप ही कहेंगे ना, हिट तो कह नहीं सकते। वही दोस्तों, अजय देवगन की दूसरी फिल्म रनवे 34, जिसमें अमित जी भी थे, इतनी बेहतरीन फिल्म होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या ये हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड का असर है, या बॉलीवुड की फिल्मों से तथा बॉलीवुड के एक्टर्स से आजकल क्या भारतीय दर्शकों को, भारतीय सिने प्रेमियों को इतनी ज्यादा नफरत हो गई है, इतनी ज्यादा मतलब इन फिल्मों से उकता गए हैं कि वो ये फिल्में देखना ही नहीं चाहते? इसी के जवाब तलाशने के लिए आज का ये वीडियो है। दोस्तों, फिर बात करते हैं शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी आई थी, बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। हालांकि ये एक कॉपी पेस्ट मूवी थी, जो ओरिजिनल मूवी थी साउथ की, उसका बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर करके फिल्म को बना दिया गया था, लेकिन फिर भी इतनी बुरी हालत होगी फिल्म की, ये तो शाहिद कपूर ने भी नहीं सोचा होगा। आयुष्मान खुराना को ले लीजिए आप, उनकी फिल्म अनेक और चंडीगढ़ के रियाज की दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। राजकुमार राव, उनकी फिल्म बधाई दो, बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। और हाल ही में रिलीज फिल्म हिट, जिसका केवल नाम ही हिट था, बाकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। और क्या एग्जांपल दूं आपको, खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार की दोनों फिल्में बच्चन पांडे तथा सम्राट पृथ्वीराज, बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, बुरी तरह से डिजास्टर साबित हुई। और किसकी बात करें, वरुण धवन, हाल ही में रिलीज फिल्म जुग जुग जियो, जिसमें अनिल कपूर भी थे, उसके बारे में भी खूब प्रचार किया गया कि फिल्म हिट है, फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई है, सबने सक्सेस पार्टी की है, कलाकारों की तरह से सोशल मीडिया पर यह भ्रम फैलाया गया कि फिल्म हिट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, फिल्म का बजट 85 करोड़ रुपए था, 85 करोड़ का इसका टोटल इंडियन नेट कलेक्शन आया ही नहीं, पर अगर 85 करोड़ इसका नेट कलेक्शन आ भी गया है तो भी आप फिल्म को हिट तो नहीं कह सकते ना। तो दोस्तों, इस फिल्म का भी वही हाल हुआ। इसके अलावा दोस्तों, बात करें रणवीर कपूर की फिल्म शमशेरा का क्या हाल हुआ, आप जानते ही है कितनी बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। मतलब कि सभी कलाकारों की फिल्में इस प्रकार से पिट रही है मानो कि वो डिजास्टर होने का रिकॉर्ड स्थापित करना चाहते हो। रणवीर सिंह सुपरस्टार कहा जाता है, बहुत बड़े सुपरस्टार, उनकी फिल्म 83 बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। उसके बाद में जयेश भाई जोरदार, जिसके नाम में खाली जोरदार था, फिल्म बहुत बेकार थी, या फिल्म ठीक थी तो भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी बुरी तरह से पिटी। तो दोस्तों, आप कितने कलाकारों का मैं आपको एग्जाम्पल दूं, सलमान खान की भी पिछली फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ बॉक्स ऑफिस पर पिटी थी, शाहरुख खान की भी फिल्म जीरो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, और किसका एग्जाम्पल दूं मैं आपको, जितने भी कलाकारों की, जो बड़े बड़े कलाकार है जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये बॉक्स ऑफिस को मतलब बॉलीवुड को पुनर्जीवित करेगा, ये फिल्म बॉलीवुड को वापिस मतलब अपनी पटरी पर ले आएगी, टाइगर श्रॉफ को ले लीजिए आप, इतने बड़े एक्शन स्टार माने जाते हैं। हीरोपंती 2 का क्या हुआ,
आप जानते हैं रोहन टीपू का कितना बुरा हाल हुआ था, और इस दौरान साउथ की फिल्मों में, साउथ की फिल्मों ने जिस प्रकार से धमाल मचाया, केजीएफ चैप्टर टू, चाहे वो आपकी आरआरआर हो, विक्रम हो, 777 चार्ली हो, हिट होती गई, तो बॉलीवुड की फिल्में लगातार एक के बाद एक धराशाई हो रही है। बड़े बड़े स्टार्स को जो भारतीय सिने प्रेमी है वो सबक सिखा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा सवाल यह है कि क्या इस कड़ी में अगला नंबर आमिर खान का है? उनका 11 अगस्त को फिल्म लाल सिंह चड्ढा आने वाली है, और मुझे लगता है कि आमिर खान को भी भारतीय सिने प्रेमी जरूर मतलब एक सबक जरूर देना चाहेंगे। मेरे को लगता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से इस फिल्म के खिलाफ भी बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा चलाया जा रहा है, और जिस प्रकार से आमिर खान ने पिछले कुछ वर्षों में कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, कुछ बयान दिए थे, उनको पब्लिक अभी तक भूली नहीं है, और बॉलीवुड के प्रति जिस प्रकार से बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा है, तो इसके लपेटे में अगली फिल्म लाल सिंह चड्ढा हो सकती है। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, हो सकता है आप मेरी राय से सहमत नहीं हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आमिर खान भी इस लपेटे में आने वाली है। ऐसा मेरा दिल कह रहा है, मेरा मन कह रहा है कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को भी इस अभियान का, और जिस प्रकार से भारतीय दर्शक बॉलीवुड के प्रति इस समय गुस्से से भरी हुई है, बॉलीवुड फिल्मों को नहीं देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस लपेटे में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी आने वाली है। और रक्षाबंधन के बारे में तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि फैमिली एंटरटेनर है, और अक्षय कुमार की दो फिल्मों को वो पहले ही अपनी औकात दिखा चुके हैं, डिजास्टर साबित कर चुके हैं। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।